जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे द गवर्नर के बारे में, गवर्नर ऑफ द स्टेट्स के बारे में और उनके विषय में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के विषय में पढ़ते हैं। गवर्नर्स स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर बोला जाता है। स्टेट और यूनियन टेरिटरी में होते हैं। इनका फंक्शंस हैव सिमिलर पावर एंड फंक्शन एट द सेंटर एट द स्टेट लेवल एज दैट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। यानी गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर का स्टेट पर, लेफ्टिनेंट गवर्नर का यूनियन टेरिटरी पर जो पावर्स होता है वो सेम होता है जैसे प्रेसिडेंट का इंडिया पर। ठीक है, गवर्नर एग्जिस्ट इन स्टेट व्हाइल लेफ्टिनेंट गवर्नर कहाँ होते हैं, यूनियन टेरिटरी में और नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली में। द गवर्नर एक्ट एज द नॉमिनल हेड, जैसे प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड होता है ना कंट्री का, उसी तरह से गवर्नर नॉमिनल हेड होते हैं। लेकिन रियल पावर किसके हाथ में होता है स्टेट में, चीफ मिनिस्टर और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हाथ में होता है। ठीक है, दूसरी तरह फिर नेक्स्ट है, इन इंडिया लेफ्टिनेंट गवर्नर इज चार्ज ऑफ ए यूनियन टेरिटरी, इनको लेफ्टिनेंट गवर्नर को चार्ज दिया जाता है। हाउएवर द रैंक इज प्रेजेंट ओनली इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली एंड पुडुचेरी। द अदर टेरिटरीज हैव एन एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड। यहाँ पर तो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं इन जगहों पर जो आपने पढ़ा, लेकिन कुछ इज अपार्ट फ्रॉम दीज वहां पर क्या होते हैं आपको, एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं। ठीक है ना, वो एडमिनिस्ट्रेटर कौन होते हैं, हु इज एन आईएएस ऑफिसर और रिटायर्ड जज ऑफ द कोर्ट, ये होते हैं जो इन जगहों के अलावा जो यूनियन टेरिटरी वहां पर वो एडमिनिस्ट्रेटर की भूमिका में होते हैं। गवर्नर ऑफ पंजाब एक्ट एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ चंडीगढ़, गवर्नर के पंजाब के जो गवर्नर है उनको चंडीगढ़ की भी जिम्मेदारी संभालनी होती है। Although Lieutenant Governor do not hold the same rank as the Governor of the state in the list of presidents, यानी presidents का मतलब कौन highest post होगा, कौन मतलब एक पूरा chronology है कि मतलब कौन higher है post है, उसके बाद कौन आता है subordinate, तो Lieutenant Governor state के Governor के parallel नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। Governor and Lieutenant Governor किसके द्वारा appoint किया जाता है, President के द्वारा, और 5 years के लिए appointed होते हैं। चलिए आइए क्वालिफिकेशन देखते हैं गवर्नर का। आर्टिकल 157 और 158 में मेंशन है कि आपको गवर्नर बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है। पहला तो आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना, दूसरा 35 इयर्स का एज होना चाहिए आपका या उससे ज्यादा हो सकते हैं, और आपको किसी भी हाउस का मेंबर नहीं बनना है, हाउस ऑफ पार्लियामेंट यानी सेंटर में, किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में नहीं, यानी एमपी नहीं होंगे, ना ही आप स्टेट लेजिस्लेचर में एमएलए भी नहीं हो सकते हैं, और कहीं से आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी कहीं से आप लाभ या सैलरी नहीं लेंगे। पावर्स ऑफ फंक्शन क्या है, प्राइमरी फंक्शन है गवर्नर का इज टू प्रिजर्व, सुरक्षित रखना, प्रोटेक्ट, बचाना और डिफेंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसका हर तरह से सुरक्षा करना है कॉन्स्टिट्यूशन का, एंड द लॉ इनकॉर्पोरेटेड इन हिज हर ओथ ऑफ ऑफिस। ठीक है ना, यानी जो भी उनके ओथ में, गवर्नर को जब वो लेते हैं पद पे आते हैं तो जो ओथ लेते हैं तो उस ओथ के तहत जो भी उनसे उम्मीद किया जाता है कर्तव्य के लिए उसके प्रति वो जिम्मेदार होते हैं, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 159 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट अफेयर्स इन दिस रिस्पेक्ट द गवर्नर हैज मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर, यानी बहुत सारे पावर्स भी दिए गए हैं गवर्नर को। सबसे पहला एग्जीक्यूटिव पावर रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जीक्यूटिव पावर एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के, क्योंकि राज्य में जितने भी काम होते हैं सीएम गवर्नर के नाम पर ही काम करते हैं, तो याद रखिएगा। अपॉइंटमेंट पावर्स, गवर्नर ही आपको सीएम को अपॉइंट करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, राज्य में कई ऐसे पोस्ट हैं जिनको सिर्फ गवर्नर ही अपॉइंट करते हैं, तो ध्यान रखिए। अभी हम लोग एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे लास्ट में भी, और कईयों को हटाते भी हैं, यानी जिनको अपॉइंट किया उनको वो हटा भी सकते हैं। फिर लेजिस्लेटिव पावर में क्या है, लॉ मेकिंग एंड द स्टेट लेजिस्लेचर दैट इज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जिनको विधानसभा कहते हैं, और लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी दूसरा हाउस जिस स्टेट में होगा, दूसरा विधान परिषद कहते हैं। यानी लॉ मेकिंग, यानी अगर मान लीजिए कि कोई कानून है जैसे लोकसभा राज्यसभा तब प्रेसिडेंट, उसी तरह हर राज्यों में विधानसभा, अगर अकेला हाउस है तो विधानसभा, फिर गवर्नर, तब वो गवर्नर साइन करेंगे तो कानून बनेगा, और अगर मान लीजिए दो हाउसेज है विधान परिषद और विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये दो हाउसेज अगर होते हैं आपको किसी स्टेट में, तो दोनों हाउस में से बिल फिर जाएगा आपको किसके पास, साइन होने के लिए गवर्नर के पास जाता है। फाइनेंशियल पावर में क्या है,
गवर्नर कॉजेस टू बी द लेट बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे स्टेट बजट है तो स्टेट बजट का जब आता है उससे पहले एक बार जो गवर्नर है वो उसको सहमति देता है, मंजूरी देता है, ठीक है। और साथ में कंटिंजेंसी फंड में से गवर्नर चाहे तो वो पैसा निकाल सकता है, उसके लिए प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। फाइनेंशियल कमीशन ऑफ द स्टेट भी होता है, उसको भी गवर्नर ही कॉन्स्टिट्यूट करता है। जैसे हमने प्रेसिडेंट वाले टॉपिक में पढ़ा था कि प्रेसिडेंट फाइनेंस कमीशन को एस्टैब्लिश करता है, सहमति देता है, मंजूरी देता है। उसी के बाद डिस्क्रिशनरी पावर, डिस्क्रिशनरी पावर का मतलब होता है गवर्नर की विवेकाधीन शक्ति, सोचने की शक्ति कि क्या वो चाहे तो कर सके जो जरूरी है। व्हेन नो पार्टी गेट्स ए क्लियर मेजोरिटी, जब कोई पार्टी क्लियर मेजोरिटी में नहीं है, जितनी जरूरी सीटें हैं एक सरकार बनाने के लिए जरूरी नंबर की आवश्यकता होती है, आधे से एक ज्यादा उस असेंबली विधानसभा में, तब वहां पे गवर्नर हैज द डिस्क्रिशन टू चूज ए कैंडिडेट फॉर चीफ मिनिस्टर हु विल पुट टुगेदर ए मेजोरिटी कोएलिशन। तब गवर्नर क्या करता है, जब कोई पार्टी मेजोरिटी में नहीं है तो गवर्नर अपने डिस्क्रिशनरी पावर का, विवेकाधीन शक्ति का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसे पार्टी के मेंबर को एज ए सीएम कैंडिडेट के तौर पे उसको इनवाइट करेगा कि वो फिर विधानसभा में क्या करे, अपना मेजॉरिटी कोएलिशन के माध्यम से, यानी कई अलग अलग पार्टीज मिल करके जितना सीट चाहिए होती है उतनी सीट को ला करके मेजॉरिटी साबित करे। तो ये डिस्क्रिशनरी पावर है। ही कैन इम्पोज प्रेसिडेंट रूल, अगर मान लीजिए राज्य में स्थिति खराब है, राज्य में स्टेट में, तो वहां पर गवर्नमेंट, गवर्नर क्या कर सकता है कि प्रेसिडेंट रूल के लिए प्रेसिडेंट को सूचित कर सकता है और प्रेसिडेंट रूल को लागू करा सकता है, याद रखिएगा आर्टिकल नंबर 356। फिर वो सबमिट करता है, गवर्नर रिपोर्ट सबमिट करता है ऑन हिज ओन टू प्रेसिडेंट ऑन द डायरेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट रिगार्डिंग टू द अफेयर ऑफ स्टेट। यानी गवर्नर क्या करता है, प्रेसिडेंट के जो भी डायरेक्शंस हैं, यानी जो भी निर्देश हैं गवर्नर, वो क्या करता है, वो रिपोर्ट को पब्लिश करता है, स्टेट के सामने रखता है कि गवर्नर क्या चाहे, प्रेसिडेंट क्या चाहते हैं स्टेट से। गवर्नर कैन विथहोल्ड हिज एसेंट टू द बिल, गवर्नर चाहे तो बिल को रोक करके, विथहोल्ड यानी रोकना, होल्ड करके रख सकता है, और एंड सेंड इट टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज अप्रूवल, चाहे तो रोक के रख सकता है या प्रेसिडेंट को भेज सकता है अप्रूवल के लिए, वो ऐसा कर सकते हैं गवर्नर। फिर इमरजेंसी रूल पर आर्टिकल 353, ही कैन ओवरराइड द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इफ स्पेशली परमिटेड बाय प्रेसिडेंट। आर्टिकल 353 में जो प्रोविजन मेंशनड है कि गवर्नर इमरजेंसी के दौरान, ध्यान रखिएगा इमरजेंसी के दौरान, वो ओवरराइड यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस को भी ओवरराइड यानी ना मानना ऐसा हो सकता है, लेकिन परमिशन आपको प्रेसिडेंट से मिला होना जरूरी है, याद रखिएगा ये जरूरी है। गवर्नर का पे कितना है, 1 फरवरी 2018 तक इनका 3,50,000 करीब करीब इनका पेमेंट बनता है। आर्टिकल 361 क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का, गवर्नर कैन नॉट बी समन फॉर क्वेश्चनिंग एक्सेप्ट फॉर हिज वॉलेंट्री विलिंगनेस। यानी यहाँ कहा जाता है कि गवर्नर को इम्यूनिटी मिली हुई है, गवर्नर को प्रोटेक्शन मिला हुआ है, गवर्नर को आप कोर्ट में खींच करके नहीं ला सकते किसी चीज को साबित कराने के लिए, या अगर उसने कोई अपराध किया है तो उसको इम्यूनिटी मिली हुई है, अनटिल एंड अनलेस ये वॉलेंट्री विलिंगनेस हो, यानी अगर वो खुद से आना चाहे तो इट्स ओके, लेकिन आप उनको एक आम नागरिक की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। फिर आइए कुछ और है, गवर्नमेंट्स आर द हेड ऑफ द स्टेट इन इंडिया, गवर्नमेंट आर द हेड ऑफ द स्टेट इन इंडिया, जैसा कि हम लोग प्रेसिडेंट के बारे में बोलते हैं उसी तरह गवर्नर के लिए भी बोला जाता है कि स्टेट का तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। एट द स्टेट लेवल गवर्नर्स हैज सिमिलर पावर जैसे प्रेसिडेंट के पास है इंडिया में। इंडियन प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है गवर्नर को 5 साल के लिए, ठीक है ना। गवर्नर ऑफ स्टेट कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज पोस्ट ओनली बाय प्रेसिडेंट, जो अपॉइंट करेगा वही हटाएगा भी, ध्यान रखिएगा, ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पर गवर्नर को हटाया जा सकता है। गवर्नर रैंक्स फोर्थ इन द इंडियन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कौन बड़ा है, कौन उसके बाद आता है प्रेसिडेंट में, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, तब गवर्नर, ध्यान रखिएगा ये एक पूरा ये बना हुआ है। पावर ऑफ गवर्नर क्या है, गवर्नर अपॉइंट किनको किनको करता है जरा देख लिया जाए, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट जो मेजॉरिटी सपोर्ट है विधानसभा में, क्योंकि विधानसभा में आपको मेजॉरिटी लाना होता है,
आधे से अधिक सीट का भी करना पड़ता है, तब जाके आप सरकार बनाते हैं। गवर्नर अपॉइंट करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, किसके रिकमेंडेशन पर, चीफ मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे। प्रेसिडेंट अपॉइंट द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट इन कंसल्टेशन विद द गवर्नर, गवर्नर अपॉइंट द जजेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट भले प्रेसिडेंट करता है लेकिन कंसल्ट किससे करेगा, उस राज्य के गवर्नर से करेगा, नंबर वन। और गवर्नर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट करते हैं, ध्यान रखिएगा। ही ऑल्सो इन गवर्नर ऑल्सो अपॉइंट द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, ध्यान रखिएगा। एडवोकेट जनरल जैसे केंद्र जैसे प्रेसिडेंट को कानूनी सलाह उसको अटॉर्नी जनरल देता है, वैसे ही राज्य में एडवोकेट जनरल होता है जो कानूनी सलाह देता है, ठीक है, ऑफ द स्टेट, उसको अपॉइंट का एडवोकेट जनरल को अपॉइंट कौन करता है, गवर्नर करता है। फिर वाइस चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी को अपॉइंट करेंगे गवर्नर ही। चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पीएससीज पब्लिक सर्विस कमीशन के भी चेयरमैन है, वो गवर्नर ही अपॉइंट करेंगे, यानी देखिए अपॉइंटिंग पावर जो है। ही एड्रेस फर्स्ट सेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर आफ्टर इलेक्शन एंड द बिगनिंग ऑफ द न्यू सेशन, यानी गवर्नर ही होगी। जैसे वहां सेंटर में क्या होता है कि जब इलेक्शन होने के बाद नई सरकार बनती है तो पहला दिन प्रेसिडेंट संबोधित करते हैं लोकसभा में, उसी तरह राज्यों में स्टेट्स में भी क्या होता है कि जब इलेक्शन के बाद जब सरकार नई बनती है, ठीक है, तो पहला दिन जो हाउस का होता है उसको संबोधित विधानसभा में गवर्नर ही उसको एड्रेस करते हैं, ध्यान रखिएगा। ही हैज द पावर टू डिसॉल्व, यानी गवर्नर के पास पावर है कि वो विधानसभा है ना स्टेट का, उसे डिसॉल्व कर दें यानी खत्म कर दें, भंग कर दें, समन यानी बुला स्टेट लेजिस्लेचर को, याद रखिएगा स्टेट लेजिस्लेचर को हटा सकते हैं, बुला सकते हैं। अ बिल पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर कैन ओनली बिकम लॉ इफ गवर्नर अप्रूव्स इट, यानी स्टेट लेजिस्लेचर में कोई बिल अगर पास होता है विधानसभा में और जहां पर विधान परिषद भी है वहां भी अगर विधान परिषद में, तब जाकर के गवर्नर के पास जाएगा, वो साइन करेंगे तो ये बिल लॉ बनेगा। गवर्नर कैन रिटर्न बिल फॉर रिकंसिडरेशन, गवर्नर चाहे तो बिल को रिकंसिडरेशन के लिए दोबारा भेज सकते हैं। बट इफ द बिल इज पास सेकेंड टाइम इन द स्टेट लेजिस्लेचर देन गवर्नर हैज टू अप्रूव इट, ये सिमिलर है जैसे प्रेसिडेंट करते हैं सेंटर में, प्रेसिडेंट एक बार रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकते हैं लेकिन जब वापस अगर पार्लियामेंट ने उनके पास भेज दी तो उनको साइन करना पड़ता है। उसी तरह सिमिलरली गवर्नर भी एक बार रिकंसिडरेशन के लिए स्टेट लेजिस्लेचर में भेज सकते हैं लेकिन अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने दोबारा सिमिलर चीज या संशोधन के साथ भेज दिया तो उनको साइन करना पड़ता है, ये बात समझ लीजिए, ये है इनके। तो आज हम लोगों ने देखा गवर्नर के बारे में, मैंने किसी भी स्टेट का यूनियन टेरिटरीज के गवर्नर का इमेज नहीं दिया हूँ, कारण ये था क्योंकि गवर्नर हर एक 5 साल में बदलते रहते हैं तो इस कारण से गवर्नर्स का मैंने फोटो नहीं दिया है, क्योंकि गवर्नर्स की तादाद एक बार में बहुत ज़्यादा होती है, 28-29 गवर्नर्स हो जाएंगे और यूनियन टेरिटरीज में भी इतने सारे, चूँकि गवर्नर्स को एक साथ रखना उचित नहीं है, तो वहाँ पे मैं आपको एक सुझाव दूंगा कि कम से कम एटलीस्ट आप जिस स्टेट के हैं और अपने आसपास के स्टेट के गवर्नर्स या लेफ्टिनेंट गवर्नर्स को अगर यूनियन टेरिटरी है तो उसको जरूर एक बार देख लीजिए, ठीक है, उनके बारे में कुछ फैक्ट अगर है तो एक बार जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर गवर्नर आपके स्टेट के गवर्नर के बारे में आप नहीं जानेंगे और क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर वहाँ पर आपके लिए ट्रबल होगा, इतना तो आपको जानना ही चाहिए। मैंने जानबूझ करके यहाँ पर नहीं रखा है क्योंकि वो बदलते रहते हैं और उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, जितने स्टेट है उतने गवर्नर है, जितने यूनियन टेरिटरी उतने हाई कमिश्नर यानी एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उतने आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं और वो 5 साल में फिर से उतने आएंगे, तो उतना बल्क में याद करने का कोई मतलब नहीं बनता है। बस आप समझ लीजिए जो बहुत फेमस हैं जैसे किरण बेदी हैं, जैसे आपको आनंदीबेन पटेल हैं, ये ऐसे जो फेमस लोग हैं उनके बारे में आप समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, तो उसको एक बार जरूर से आप देखेंगे। आज के लिए गवर्नर टॉपिक में जितने पॉइंट्स टू रिमेम्बर वाले पार्ट हैं उनको हमने संकलन किया, उनको यहाँ पे आपने देखा और यहाँ पे पूरा भरपूर जितना यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता था आर्टिकल वाइज वो भी आपको मैंने दे दिया है। बस आपको करना क्या है कि आपको गवर्नर ऑफ अपने स्टेट के गवर्नर उसको देखिए, उनके बारे में थोड़ा विस्तार से थोड़ा ही पढ़िए, देखिए सॉलिड पढ़िए, आसपास के भी स्टेट को एक बार देख लीजिए, बस इतना काफी है आज के लिए। गवर्नर टॉपिक में इतना ही, फिर मुलाकात होगी, फिर जय हिंद जी।